दोस्तों आपको पता है जो आप टीवी पर एड्स देखते हैं उसमें दिखाई हुई चीजें पूरी तरह से नकली होती हैं। जिन चीजों को देखकर आपके मुंह में पानी आता है असल में आप उसे खा ही नहीं सकते। और इन एड्स के पर्दे के पीछे का सच जानने के बाद आपको पता चलेगा एड्स में और रियलिटी में कितना फर्क होता है। अब आगे इस वीडियो में कोका कोला, बर्गर, चिप्स और ना जाने क्या क्या कांड होते हैं, ये सब देखने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। नंबर वन, फ्राइज। फ्राइज के एड में ये लोग स्पंज का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर फ्राइज भी नकली होती हैं। ये लोग स्पंज में स्टिक लगाते हैं और फिर उसमें फ्राइज लगाते हैं ताकि फ्राइज और उठके दिखे। और अगर शूट ज्यादा देर तक चलता है तो यहाँ फेक फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्राइज बिगड़ न जाए। नंबर टू, बियर एड्स। बियर के एड्स में ये जो बियर होती है अगर इसे आप पी लो तो आपकी जान भी जा सकती है। पर ऐसा क्यों? दोस्तों ये लोग गिलास में बियर डालने से पहले उसके अंदर शैम्पू डालते हैं क्योंकि शैम्पू डालने से बहुत ही ज्यादा झाग पैदा होते हैं। आमतौर पर जब आप गिलास में बियर डालेंगे तो उसमें झाग पैदा होते हैं लेकिन वो बस कुछ ही सेकंड के अंदर चले जाते हैं। पर जो शैम्पू वाले झाग होते हैं वो जल्दी जाते नहीं और एड शूट करने में आसानी होती है। पर कई बार ये लोग बियर की जगह पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेट्रोल दिखने में ज्यादा कलरफुल लगता है और अगर कोई उसे पी ले तो उसका क्या हाल होगा ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों जब बर्गर की एड्स में रोबोट यूज किए जा सकते हैं तो कोका कोला कोई छोटा आदमी तो है नहीं। इसके पीछे की मेहनत तो आप देख ही सकते हैं। ये सब करने के बाद फाइनल एड कुछ इस तरह दिखाई देता है जिसे आप टीवी पर देखते हैं। नंबर फोर, डियोड्रेंट। जब बात डियो की आती है तो ओल्ड स्पाइस डियो एड सबका बाप है। ये ऑडियंस से एक अलग ही लेवल का कनेक्शन बना लेते हैं सिर्फ अपने एड के थ्रू। जरा इसे देखिए, ये एड काफी यूनिक है और इसकी ये यूनिकनेस ही इसका एक सेलिंग पॉइंट बन जाता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पूरा एड सिर्फ एक शॉट में कंप्लीट हुआ है। बस एक शॉट और शूट खत्म। आपको इसके पर्दे के पीछे की मेहनत का पता है? इस मॉडल एक्टर को इनविजिबल वायर से बांधा हुआ है और ये बंदा सिर्फ एक ही जगह पर खड़ा है, कहीं मूव नहीं हो रहा है। बस अलग अलग बैकग्राउंड वॉल इसके आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं। और इतना कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी ये एड बड़ी आराम से सिर्फ एक ही शॉट में कंप्लीट किया गया है। नंबर सिक्स, चिप्स। पोटैटो चिप्स एड देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगते हैं और ऐसे एड्स में ज्यादा खर्च भी नहीं आता होगा ऐसा हमें लगता है क्योंकि इसमें कोई बड़ा सुपरस्टार तो होता नहीं। लेकिन इन एड्स को शूट करने के लिए कई मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं और इसीलिए इन एड्स को बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आ जाता है। और इन एड्स में कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो दिखने में नॉर्मल चिप्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर सेवन, हेयर। हेयर प्रोडक्ट्स के एड में ये लोग ग्रीन स्क्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो इस तरीके से ग्रीन स्टिक का यूज़ करके बालों को हिलाते हैं और फिर वीडियो एडिटिंग से ग्रीन बैकग्राउंड और ग्रीन कॉस्ट्यूम को इस तरह हटा दिया जाता है। और यहाँ लाइटनिंग इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से बाल शाइन करते हैं और इसलिए ये इतने अच्छे लगते हैं। एक्ट्रेसेस के बाल अच्छे लगने की ये भी वजह है कि कई हेयर स्टाइलिस्ट काफ़ी घंटे लगाकर इनके बालों को सेट करते हैं और टीवी एड्स में ये कहते हैं इतने अच्छे बाल इनके पास एक प्रोडक्ट से हुए हैं। अब बात करते हैं विमल की, जिसे शाहरुख खान और अजय देवगन खाते हैं, जिसे आप टीवी पर देखते हैं। पर इसमें जो विमल दिखाया जाता है असल में वो खाली होता है, इस पैकेट में कुछ होता ही नहीं। इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला तो एक्टर इसे खाने से ही मना कर देते हैं और वैसे भी भरे हुए पैकेट के साथ एक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है रियल में उतना केसर होता ही नहीं है। इसमें जो पैकेट दिखाया जाता है वो असली से थोड़ा बड़ा दिखाया जाता है ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और इसमें हवा भी भरी जाती है ताकि ये भरा भरा दिखे। दोस्तों कैसा लगा इन एड्स की सच्चाई जानकर? और कमेंट में ज़रूर बताइए कौन सी एड का कंसेप्ट आपको ज़्यादा पसंद आया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।